अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे के कोने पे बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को आप चाहें तो दुपट्टे के चारों तरफ कोने पे बना सकते हैं और बाकी पूरी लाइन पे छोटी डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं। तो आपका बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से जब आप बनाएंगे। तो हमें इस पर किस तरह से बेस लाइन बनानी शुरू करनी है वो मैं अभी बाद में बताती हूँ। पहले देख लेते हैं धागा कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है और इस धागे को मैंने चार लेयर करके बनाए हैं। ये तीन धागा करके बना ली हूँ, एक साथ में इसको भी ऐड कर ली हूँ। तो ये हमारे चार धागे तैयार हो गए इस तरह से। और स्मॉल साइज़ की ग्लास बीड्स डाली हूँ। तो इस पे बेस लाइन हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमें 55 डबल क्रोशिया चाहिए। तो यहाँ से जब हम बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पे 55 डबल क्रोशिया होगी कि नहीं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ठीक से अंदाज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है पेंसिल से डॉट 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 निशान लगा देंगे जहाँ जहाँ पर डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो हमें बेस लाइन बनाने में इस तरह से जब कर लेंगे तो आसानी होगी, जितनी डबल क्रोशिया हमें चाहिए उतनी बन के कोने पे आएगी। इस तरफ से आप निशान लगाइए यहाँ से इस तरह, बस थोड़ी थोड़ी दूर पे निशान लगाते जाइए। एक चैन डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं बेस लाइन ना, बस उतनी उतनी दूर पे निशान कर लेना है। 55 डॉट इस तरह से बना लेना है, 55 इस तरह देखिए, तकरीबन इतनी दूर दूर बना लेना है। तो मैं इस यहाँ तक बना लेती हूँ 55 डॉट, फिर उसके बाद शुरू करते हैं बेस लाइन बनाना। इस तरह देखिए मैंने डॉट लगा लिया है। अब इसी पे हम बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे तो हमारी जो है बेस लाइन बराबर से यहाँ तक 55 पहुँचेगी। यहाँ से हमें शुरू करना है, स्लिप नॉट बनाते हुए शुरू करेंगे और वहाँ पे हम डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से जहाँ से निशान लगाए हूँ वहाँ से शुरू कर लेंगे। बीड्स के साथ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन पहली वाली में नहीं लगाएंगे बीड्स। चाहे तो लगा भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। अब एक चेन लेके दूसरी जब बनाएंगे तो फिर बीड्स लगाते हुए बनाएंगे इस तरह से। एक चेन डबल क्रोशिया, निशान जहाँ जहाँ पे लगा है मैं वहाँ पे बनाते जाना है। ठीक है, इसी तरह से मैं बनाते हुए कॉर्नर तक पहुंचती हूँ, फिर देखते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक कमेंट भी करके बताया करें कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगती है और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताया करें। ठीक है, इस तरह देखिए बेस लाइन हमारी तैयार हो गई। टोटल यहाँ तक 55 डबल क्रोशिया बनी है यहाँ तक। अब ये कोने पे सेट कर लेंगे, एक चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। आप चाहें तो डायरेक्ट तीन चेन लेके यहाँ पे इस तरफ आके डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी तरीका बता रही हूँ। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे एक बीड्स भी लगा लेंगे। अब एक चेन लेके इस तरफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीड्स लगाते हुए इस तरफ। जैसे 55 डबल क्रोशिया की बेस बनी है तो इस तरफ भी 55 डबल क्रोशिया की बेस बना लेंगे। इस तरफ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ जब बनाते जाएंगे तो बस आप जब 55 आपकी हो जाए तो वहीं पे आप रुक जाएं।
ठीक है। देखिए कोने पे इस तरह से बेस बन गई हमारी, तो इस तरह मैं 55 बना लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह देखिए बेस लाइन हमारी बन के तैयार हो गई। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इस तरफ भी 55 डबल क्रोशिया बन गई है। अब एक चेन लेते हुए सीधी तरफ आ जाएंगे और पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके एक में और बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से चार स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पे हम बीड्स लगाना शुरू करेंगे, चार लगाएंगे, फिर उसके बाद एक चेन, फिर चार लगाएंगे, फिर एक चेन, चार लगाएंगे। इस तरह से टोटल हम यहाँ पे 10 बार बीड्स लगा लेंगे। तो मैं 10 बार लगा के फिर दिखाती हूँ। इस तरह देखिए 10 बार लग गई। अब हमें सातवें स्पेस में सिंगल क्रोशिया करना है, 7। सातवें में सिंगल क्रोशिया करके अब एक चेन लेते हुए 3 स्पेस में और कर लेंगे। इस तरह, और फिर इसी तरह से बीड्स लगाते हुए सर्कल बनाएंगे। चार चार बीड्स लगाना है, एक चेन, फिर चार, इसी तरह से 10 बार लगा लेंगे। तो इसी तरह सर्कल बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें बनाते जाना है इस राउंड को। इस तरह से देखिए पूरे में 1 2 3 4 5 सर्कल हमारे इस तरह बने हैं। और यहाँ पे देखिए चार सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ पे कोने पे भी ऐसे ही बीड्स लगाते हुए सर्कल बनाएंगे, 10 बार लगा लेंगे बीड्स। इस तरह देखिए 10 बार लग गई। अब यहाँ पे हमें बस ये बीच वाले स्पेस को छोड़ के, कोने वाले स्पेस को छोड़ते हुए बस यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह कॉर्नर पे बना लेंगे। अब एक चेन, 3 में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से, और फिर बीड्स लगाते हुए इस तरफ भी सर्कल पूरे बना लेंगे। फिर इसके बाद वाला राउंड कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरह हमें बनाते जाना है बस। इस तरह देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया। यहाँ आखिरी में भी चार स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह बनी है। अब एक चेन लेते हुए हम बैक साइड में आ जाएंगे और ये पहले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक चेन इसमें कर लेंगे दूसरे में। अब यहाँ पे एक स्पेस में नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। अब दो चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, दो चेन लेते हुए सारी बीड्स के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह देखिए सबके ऊपर दो चेन सिंगल क्रोशिया बन गए। शुरू में नहीं चेन ली थी और आखिरी में भी चेन नहीं लेंगे। यहाँ पे एक स्पेस को छोड़ते हुए बीच वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अब इस तरफ वाले बीड्स में सिंगल क्रोशिया से अटैच, फिर दो चेन लेते हुए सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। पहला राउंड हमारा बन गया है। एक सर्कल हमारा जैसे बना है ना, तो इसके ऊपर अभी हम और ऐसे सर्कल बनाएंगे यहाँ यहाँ पे जो स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी में अटैच कर ली हूँ,
कैसे अटैच करी वो बता देती हूँ। एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरे में करी हूँ इस तरह से। अब एक चेन लेके एक और स्पेस है इसमें कर लेते हैं। अब एक चेन आ जाएंगे हम सीधी तरफ, पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब दो चेन लेके ये चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन लेते हुए चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 चौथे वाले चेन में बनी है। अब यहाँ से हम सर्कल बनाना शुरू करेंगे बीट से लगाते हुए। उसी तरह से हम 10 बार बीट से लगा लेंगे। इस तरह देखिए 10 बार लग गई। अब इस तरफ हमें अटैच करना है ये चेन के स्पेस से। देखिए 1 2 3 4 चौथे चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। इस तरह से यहाँ पे हमारा सर्कल बनेगा। अब दो चेन इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन इसमें बना लेंगे। अब यहाँ से फिर हम इसी तरह से सर्कल बनाएंगे 4 बीट से लगाते हुए, ठीक है। तो इसके ऊपर इसी तरह सर्कल बनाते जाना है। तो इस तरह देखिए बनाते हुए यहाँ कोने तक आ गई हूँ और यहाँ पे 10 बीट से लगा दी हूँ 10 बार। और कोने पे भी वैसे ही बनाएंगे हम 1 2 3 4 चौथे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब दो चेन इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब जो है यहाँ पे बीट्स लगाते हुए फिर यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरफ चौथे वाले स्पेस में। इसी तरह से बनाना है कोने पे और इस तरह रख के देखें कोने पे डिज़ाइन कैसे सेट हो रही है। अगर ये कोना थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा नज़र आए ना तो यहाँ पे 3 चेन लेते हुए भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये चेन वाले स्पेस में कर लेंगे, फिर यहाँ पे 3 चेन इसमें कर लेंगे। अब यहाँ से बीट्स लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ कोने पे बना लेंगे। तो इस तरफ मैं बनाते हुए सर्कल पूरा करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। इस तरह से देखिए ये राउंड पूरा हो गया। यहाँ पे आके अटैच करी हूँ चौथे स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब एक दो चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम बैक साइड में आके सारे बीट्सों को हमें ज्वाइन करना है। इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर दो चेन लेते हुए सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह देखिए अटैच हो गई। अब आखिरी में यहाँ पे हमें ये बीच वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इस तरफ उसी तरह से हमें जॉइंट करना है और सबके ऊपर दो चेन सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और जब भी बीट्स को जॉइंट कर लें ना तो इस तरह पहले सर्कल को चेक करके सीधे कर लें, इस तरह मुड़ी नहीं होना चाहिए, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से सारी बीट्स को हमें जॉइंट करते जाना है। इस तरह देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया।
अब आप चाहें तो इतने ही डिज़ाइन रख सकते हैं, या चाहें तो इसके ऊपर एक एक सर्कल और बना सकते हैं, और या अगर इतने पे डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो फिर आप जैसे मैं बाद में यहाँ यहाँ पे बनाएंगे वो लटकन, तो आप इसके ऊपर भी लटकन बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर एक एक सर्कल और बनाऊंगी, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ आखिरी तक बना ली हूँ, दो चैन सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक स्पेस को छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। अब दो चैन बैक साइड में आएंगे और ये चैन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया करते जाना है हमें। चेन वाले स्पेस में करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। चौथे स्पेस तक कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम बीट्स लगाते हुए उसी तरह से सर्कल बनाएंगे जैसे दूसरे राउंड में बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो मैं सर्कल बनाते हुए कॉर्नर तक पहुँचती हूँ, कॉर्नर पे कैसे बनाएंगे वो हमें देखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बार बीट्स लगा के और 1 2 3 4 चौथे में हमें अटैच करना रहेगा। फिर उसके बाद दो चैन सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, फिर दो चैन यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से सर्कल बनाना शुरू करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए कोने तक आ जाती हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सर्कल बनाते हुए यहाँ कॉर्नर तक पहुँच गई हूँ। 1 2 3 4 चार सर्कल यहाँ पे हमारे आखिरी में बनेंगे। तो ये कॉर्नर पे बनाने के लिए जैसे सब में 10-10 बार बीट से लगाई हूँ ना, तो कॉर्नर पे मैंने 12 बार बीट से लगा लिए। तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएंगे ताकि कॉर्नर पे जो है डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए। बारह बार देखिए बीट से लगाई हूँ। अब इस तरफ हमें जॉइंट कर लेना है चौथे वाले में, और फिर दो चेन इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन इसमें भी सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर उसी तरह से बीट्स लगाते हुए यहाँ यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। इस तरह देखिए कोने पे हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो ये राउंड को मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है दो चेन सिंगल क्रोशिया के साथ सारे बीट्स को हम जॉइंट करते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर उसके बाद लटकन हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से बनाते जाना है बस। इस तरह से देखिए हमने पूरे पे बीट्स लगा के फिर उसके बाद दो चेन सिंगल क्रोशिया सब पे बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ, आखिरी तक यहाँ तक देखिए। और यहाँ पे कोने पे देखिए कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन सेट हुई है। अब इसके ऊपर हम बस हम आखिरी राउंड बना लेंगे लटकन के साथ। तो अभी देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। आप ऐसे ही अगर बिगड़ लटकन के रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लुक आया है। तो चलिए अभी हम लटकन के साथ बॉर्डर बना लेते हैं। सीधी तरफ आ जाएंगे, एक चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे दो बार, फिर एक चेन इसमें भी दो बार करेंगे। चेन चेन में करना है, दो दो बार सिंगल क्रोशिया फिर एक चेन इस तरह से, और बीचों बीच में हमें लटकन बनानी है। पांचवें चेन तक कर लेना है, 1 2 3 4 बीच तक पहुंच जाए करते हुए। फिर उसके बाद बीच में देखिए एक ही बार सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ से हम लटकन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 पांचवा स्पेस है ये। तो आप लटकन जो है अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं अपने तरीके से, या तो जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह बना लें। अभी एक चेन एक बीट से लगाएंगे, फिर एक चेन एक लगाएंगे। इसी तरह से हम एक चेन बिगर बीट्स के और एक चेन बीट्स के साथ लगाते हुए बना लेंगे। जितनी बढ़िया आपको लटकन चाहिए उतनी बढ़िया आप कर लें।
1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 बार इस तरह से बीट्स लगा ली। इतनी बड़ी मैं बनाऊंगी, आप चाहें तो इससे छोटी भी कर सकते हैं, इससे बड़ी भी कर सकते हैं। अभी आप ये आखिरी में 3 बीट्स लगाते हुए इस तरह, फिर एक चेन लेके फिर उसी तरह से एक बीट्स एक चेन करते हुए 8 बार इस तरह बीट्स लगा लेनी है। आठ बार लग गए। अब यहाँ पे हमें देखिए सेम स्पेस में अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया से। अब इसी तरह से हम 2 लटकन और बना लेंगे। तो ठीक है, इसी तरह से 2 लटकन और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे कैसे बढ़ेगी डिज़ाइन वो हम देखेंगे। इस तरह देखिए 3 बार बना ली। बाद में हम इसे कैसे सीधी करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। और अब एक चेन लेके इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन, 2-2 सिंगल क्रोशिया चेन में करना है। इस तरह से अब इस तरफ डायरेक्ट बना लेंगे ये चेन में सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर एक चेन लेते हुए उसी तरह से बनाएंगे, 2-2 सिंगल क्रोशिया चेन में करना है, फिर उसके बाद बीच में लटकन बनाएंगे। अब यहाँ से हम लटकन बनाना शुरू करेंगे, इसी तरह से लटकन बनाएंगे। तो पूरे पे हमें इसी तरह से बस बनाते जाना है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ पूरे पे लटकन, फिर उसके बाद दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। यहाँ पे भी बीच में हम ऐसे ही बनाएंगे कोने पे। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने डिज़ाइन तैयार कर ली है। और मैं बता दूं कि जैसे ये सर्कल पे मैं लटकन बना रही थी ना, तो मैंने जब यहाँ तक बनाया ना, तो मुझे सारे सर्कल पे जब लटकन बनाई तो मुझे थोड़ा ओवर लग रहा था, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी डिज़ाइन, क्योंकि ये बस ये कोने पे डिज़ाइन बनी है ना, तो ये सर्कल पे बनाने के बाद ज़्यादा ओवर दिखने लगा था। तो मैंने ये यहाँ वाले लटकन को रिमूव कर दिया और बस इसके ऊपर चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ बना ली हूँ। सब में देखिए 2-2 सिंगल क्रोशिया बनी है एक चेन लेते हुए, बस बीच वाली स्पेस में 4 सिंगल क्रोशिया बनी है। इसी तरह से पूरे सर्कल पे बना ली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लटकन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से कर ली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने बस ये 3 कोने पे, एक बीच वाले पे और इस तरफ 3 कोने पे इस तरह लटकन बना लिया है। और इस तरफ वाली जो लटकन बनाई हूँ और इस तरफ 8-8 बीट्स लगाते हुए इतनी बड़ी लड़ी बनाई हूँ। और बीच वाले में जो लटकन बनाई हूँ थोड़ी सी बड़ी मैंने कर दी है इसकी लड़ी, तो 8 के बजाय मैंने 10 ये मोती लगा दी है, तो इस तरह थोड़ी सी लंबी हो गई है लड़ी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। और यहाँ तक देखिए सर्कल पर बनाते हुए आई हूँ, यहाँ तक बना के धागे को कट कर दी हूँ। अब ये चेन सीधी कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छे से पानी छिड़क दीजिए और फिर हाथों से ही सीधी करिए, तो अच्छे से चेन सीधी हो जाएगी। पूरी डिज़ाइन पे पानी छिड़क के सीधी कर लें, सेट कर लें। ये जब सूख जाएगी ना, तो फिर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सिल्क धागा जो होता है पानी डालते हुए जब आप डिज़ाइन को सेट करते हैं, जब वो सूख जाती है तो फिर उसी तरह रह जाती है, फिर वो फिर मुड़ेगी तुड़ेगी नहीं, सीधी रहेगी। इंशाल्लाह आप करके ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा मुझे। इस तरह देखिए सीधी कर दी, इसी तरह से इसको भी कर देंगे। और पूरी डिज़ाइन को थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेट कर दीजिए इस तरह से।
तो इस तरह कुछ हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस पे जो है इसके पल्लू पे और साइडों में छोटी कैसी डिज़ाइन बनाएंगी, उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बना दूंगी किस तरह से यहाँ यहाँ पे छोटी डिज़ाइन बनाऊंगी मैं। आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या तो जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी आप उस तरह से भी बना सकते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो अभी यहीं पर मैं रोकती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।